आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल सबसे तेज। सबसे आगे खबर छापी तो अंजाम बुरा होगा। पत्रकार को मिली धमकी, धमकी से परिवार भी डरा हुआ है। बहरहाल में एक पत्रकार को पुलिस की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। ऐसे ही एक मामला जनपद गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र का सामने आया है। क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे स्विमिंग पूल की खबर को छापने को लेकर पत्रकार को मिल रही हैं धमकियां। पत्रकार को कहा, अगर तूने ये खबर छापी तो तेरा अंजाम बुरा होगा। जबकि पत्रकार ने चौकी प्रभारी को भी इस घटना की सूचना दी थी, मगर चौकी प्रभारी ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। पत्रकार को डर है कि जिस प्रकार पत्रकार विक्रम जोशी को पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी, इस प्रकार उसके साथ कुछ घटना ना घट जाए। इस संबंध में श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार को लिखित में तहरीर दी और उचित कार्रवाई करने की मांग की। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पत्रकार को धमकी मिल रही है, उससे लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, ना शासन प्रशासन, क्या माना जाए। इस तरह की घटना एक आम हो गई है। पत्रकार को लोग ऐसे धमकाते हैं, आप खुद उनकी जुबानी भी सुनिए। शासन प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाए और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर गाजियाबाद जैसी घटना को दोहराया गया तो शायद शासन प्रशासन पर धब्बा लग जाएगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि शासन प्रशासन जल्दी इन पर कार्रवाई करे और पत्रकार को इंसाफ मिले। अब जो है उसकी कवरेज करने के लिए गया था। कवरेज करके गया, फोटो वोटो करके आया, पहला पता निकल गया, पहले घर आ गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? राहुल दास जी। आपके साथ क्या घटना घटी? सर, मैं परसों एक कवरेज करने के लिए गया था थाना मुरादनगर के अंतर्गत नबीपुर गांव में। जो मेरे को सूचना मिली थी वहाँ पे अवैध रूप से स्विमिंग पूल चल रहा है, जहाँ पे बहुत शराब पी के उधम मचा रहे हैं। तो ऐसा मेरे को सूचना मिली तो मैं वहाँ पे कवरेज करने के लिए गया था। तो मैं कवरेज करके वहाँ से लौट गया और उसके बाद कल सुबह स्विमिंग पूल मालिक संदीप निवासी नबीपुर, उनके साथ में एक व्यक्ति और थे, मेरे पास आए, गाली गलौज की और मेरे को धमकाया कि मतलब किसी भी तरीके की खबर नहीं चलाना, कहीं फोटो लगाना। ठीक है, फिर वो लोग वापस चले गए। आज हर जगह पेपर में खबर लगी है तो इस चीज़ की सूचना उन्हें मिली तो उन्होंने संदीप का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि आपने खबर चला के अच्छा नहीं किया, आने वाले भविष्य में हम तुम्हें देखेंगे और तुम्हें देखेंगे, आने वाला टाइम जैसा भी होगा तुम्हें पता चल जाएगा। तो इस मामले में मैंने मुरादनगर थाने में तहरीर की है ताकि आने वाले टाइम में मेरे को भी किसी तरह की जानहानि ना हो। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप किस संस्था से हैं? श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुंडू। आज एक पत्रकार के साथ में कवरेज करने के दौरान सूचना मिल रही है कि उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप जो है श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? राहुल दास जो है ये हमारे पत्रकार संघ के सदस्य हैं, इन्होंने आज जानकारी दी थी कि कवरेज करने गए थे नबीपुर स्थित एक स्विमिंग पूल के पास, तो वहाँ इन्हें जो उसके मालिक है उन्होंने इसे धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। और खबर छपने पर आज इनके घर भी गए थे और फोन पर भी इन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उस बारे में थाना प्रभारी अमित कुमार को एक शिकायत दी है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।